प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुन को रसिया, आहा हनुमान जी बसिया। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम हनुमान जी भगवान के चरित्र सुनने की रसिया है। गोस्वामी श्री कलिकुल शेखर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं। अच्छा अच्छा एक बात और है, गोस्वामी जी को भी हनुमान जी भगवान की कथा में ही मिले। हाँ, गोस्वामी जी को हनुमान जी का मिलन कथा में ही हुआ, और गोस्वामी जी इसीलिए लिख रहे हैं प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। मंदिर में हनुमान जी मिले ना मिले ये तो कह नहीं सकते, पर कथा में हनुमान जी जरूर आते हैं ये पक्का है, गोस्वामी जी का मानना है। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोले कथा में तो हनुमान जी आते हैं, आते हैं, आते हैं। अच्छा हाँ आए। जब तुलसीदास गोस्वामी जी की पत्नी रत्नावली, रत्नावली ने ताने मारे, तुम जितना हमारे हाड़ मास के पीछे पड़े हो उससे आधा भी अगर प्रभु के पीछे पड़ते तो भगवान तुम्हें मिल जाते। पत्नी के वचन सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी रातों ही रात बीतराग बाबा हो गए। तो कई लोग कहने लगते, बोले महाराज जी गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी और राम जी मिले इसके पीछे बड़ा रहस्य है, उनकी पत्नी का पूरा खेल उनकी पत्नी का है। पत्नी की ना डांट लगती ना फटकार लगती, ना गोस्वामी जी को हनुमान जी मिलते ना राम जी मिलते। तो एक संत ने बढ़िया जवाब दिया, बोले अगर पत्नी की डांट से ही लोग अगर गोस्वामी तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर गोस्वामी जी बैठे होते। आओ सब डांट खा लेते हैं, ऐसा कौन है जो डांट नहीं खाता है। तो बोले भाई ये मानते हैं कि रत्नावली जी का त्याग है, लेकिन गोस्वामी जी का भी खोजने का समर्पण रहा कि राम जी को हनुमान जी को खोजते रहे। तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, उनको भगवान की कथा में हनुमान जी मिल गए। पर हनुमान जी ने चित्रकूट के घाट पर भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन दे घिसे तिलक देत रघुवीर, चित्रकूट पर हनुमान जी ने राम जी को मिलवा दिया। आहा पत्नी की फटकार लगी, हे स्वामी हे नाथ तुम जितना इस मेरे हाड़ मास के पीछे पड़े हो उससे आधा भी राम जी के पीछे पड़ते बेड़ा पार हो जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ लिए, तें मोरी तिरिया जन्म की माता तेने ज्ञान दयो। ए रत्नावली धन्य है तू, तू लगता है पूर्व जन्म में हमारी गुरु रही, आज तूने ऐसा ज्ञान दे दिया कि मन में वैराग्य जागृत हो गया। तें मोरी तिरिया जन्म की माता तेने ज्ञान दयो। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहीं प्रणाम किया और चल पड़े। आए चलते चलते, एक बार मुड़ गए तो फिर लौट कर मुड़े नहीं। देखो ये बहुत अच्छी बात है, यहां पर बहुत गौर करना, सब लोग बड़े गंभीरता से सुनना। संसार से एक बार अगर गुरु की तरफ राम जी की तरफ मुड़ जाओ तो लौटकर जगत की तरफ मत मुड़ो, वरना ना धरती के रहोगे ना आसमान के रहोगे। और कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा है घर में भाई खटपट से चल बाबा के मटपट। हाँ, घर में लुगाई से लड़ाई हो गई, अब तो हम बाबा बनेंगे चाहे जो हो जाए, सोने लो अपना डोरिया डेरा। जब तक रेलवे स्टेशन तक पहुंचे तब तक अपने नाती पप्पू की याद आ गई,
अरे लड़ाई तो रोज होती रहती है, पप्पू हमारे बिना सो नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, लड़ाई बाबा बाबा तो बाद में बनेंगे, अब पहले पप्पू को देख लेते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, तो कई लोगों का ऐसा बैराग होता है, लेकिन धन है गोस्वामी कलिकुल से घर श्री तुलसीदास जी महाराज पत्नी के कहने पर एक बार राम जी की तरफ मुड़ गए, फिर लौट कर दुनिया की तरफ नहीं मुड़े।